ऐसी एक भी चीज नहीं है, हमें तो मालूम रहता है, जो नहीं पता होगा अभी हम देखेंगे, अभी मालूम पड़ जाएगा कि कौन बच्चे क्या नहीं कर पाए, वो चीज फिर से कराएंगे। जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री में देख लिया है कि आप लोग 8.4 नहीं कर पाए हो, तो उसे फिर से कराना पड़ेगा। 8.4 ऐसे कर दूंगा, और सर ने क्या बताया, ऐसे ऐसे कर दूंगा। चलो अच्छा है, अगर कर लेते बर्थ कंट्रोल मेथड सर, मैकेनिक बैरियर, फिर हार्मोन्स को चेंज कर देना, उसके बाद कॉपर चेंज, सर्जिकल मैकेनिकल प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन, ठीक है, बाय प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन, द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन, बाय सर जो लास्ट लिखा है उसका कंटिन्यू, वही चीज है सर, उसके भी कंटिन्यू करते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है, दो मेटिंग इज डन इज कॉल्ड कंट्रासेप्शन, दो सर मेटिंग करते हैं लेकिन बच्चे सर कंट्रासेप्शन का डेफिनेशन आपने लिखा दिया, हां व्हाट डज इट मीन कंट्रासेप्शन, ये भी एक तो लिखा देता हूं, इज कॉल्ड, इसको कहते हैं गर्भ निरोध, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट, सोशल कंस्ट्रेंट, उसको कहेंगे अबॉर्शन। और इसमें क्या है, इसमें पैदा ही नहीं होने, इसमें फर्टिलाइजिंग नहीं होने देते मेल और फीमेल के बीच में जो अट्रैक्शन है, तो वो एक तरीके का नेचुरल प्रोसेस अट्रैक्शन होता है, और एक तरीके का प्लेजर, और अगर ये बैरियर्स काम नहीं है तो बच्चा होगा, फिर अबॉर्ट करो, कवरिंग यूज करो, अगर ऐसा ना होता तो दुनिया में रेप क्यों हो रहे होते, अच्छा, और जेल भी जा रहे हैं उसके लिए लोग, मेटिंग के लिए, मेटिंग ही तो रेप है सर, रेप में होता क्या, रेप में मेटिंग है बस, फोर्सफुली, हाँ, या मॉलेस्टेशन, किसी भी तरीके का आप हिस्ट्री को कुछ कमेंट करो वो सब मॉलेस्टेशन में आता है, तो उसमें भी जेल हो गई, इमोशनली करो या फाउल रिमार्क करो वो सब मॉलेस्टेशन है, फिजिकली इमोशनली या किसी भी तरीके से उसके ग्रेस को ठेस पहुंचाते हो, ठीक है, क्योंकि जो वीकर सेक्शन है उसको ज्यादा अधिकार दिए गए, फिजिकली वीकर सेक्शन, फिजिकली, अदरवाइज जहां पर दूसरी जगहों पर ऐसा नहीं है, जहां पर फ्रांस है, यूरोप है, वहां पर दोनों इक्वल सेक्शन है, हमारे यहाँ अधिकार देने पर वो ज्यादा स्ट्रेंथन है, फीमेल को भी सेक्सुअल डिजायर होते हैं, सबको होते हैं, ये चीज हमने आपको पहले ही बताई थी कि स्त्रियों में खतना कर दिया जाता है, उनमें एक आगे क्लिटोरिस पार्ट है, तो दैट इज द, हां, मेल क्लिटोरिस है, यानी मान लीजिए, अरे सर बता दो, हां सर बता दो, जस्ट एक पार्ट होता है कि क्लिटोरिस है, दैट इज क्लिटोरिस पार्ट, इसको क्या कहते हैं सर, थोड़ा ना पता है, ठीक है, तो उसको वो कट कर देते हैं, ठीक है, so, ये चीज होती है, दैट इज वजीना के होते, हां अंदर ही होती है, तो सर सर्विक्स, अरे सर वो कुछ भी है, अंदर होता है, बाहर होता है, सर वो वजीना के ऊपर में जाएगा, किसी मदर में ले लिया होता है उसके ऊपर, तो उस चीज को कट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे पार्ट होता है कि अपर में जियोरा जहां तक है और लोअर में जियोरा,
ये यूरिन का यूरेथ्रा है ये ऐसा करने से क्या होगा इसका काम क्या होता है ये अपर में जो हो रहा है और ये लोअर में जो हो रहा है क्लिटोरिस का काम क्या होता है इसको कहते हैं कि क्लिटोरिस का काम है इट इज सेक्सुअल प्लेजर देना जब इस पर रबिंग होती है तो सेक्सुअल प्लेजर देते हैं लेकिन मुस्लिम लोग चार चार शादियां करते हैं तो उन्हें इस बात का हमेशा खतरा बना रहता है कि उनकी वाइफ भाग जाएगी वो 70 साल के होते हैं और 20 साल की लड़की से शादी करते हैं तो कहीं वो बेईमानी ना कर ले तो इसके लिए वो क्या करते हैं उसकी क्लिटोरिस ही काट देते हैं जिससे उसको इस चीज से सेंसलेस हो जाए एक फंडामेंटल उसको प्लेजर से डिप्राइव कर देते हैं जो नेचर ने बेस्टोर्ड कर रखा है वरदानित कर रखा तो उस चीज को खतना कहते हैं और जिस स्त्री का खतना नहीं हुआ होता है उससे वो शादी भी नहीं करता क्यों कहते हैं तुम्हारा खतना हुआ है अगर नहीं हुआ है तो शादी नहीं करते तो सर ने पता कैसे चलता कि हुआ है हॉस्पिटल में कर देते पैदा होते हैं हॉस्पिटल में कर देते हैं और इसको सिल भी देते हैं कई तो दाई ऐसे सिल देंगी वो उसमें ड्रिप ड्रिप करके बिचारी पूरी जिंदगी तक जब तक शादी नहीं होगी तो यूरिनेट करेगी कितनी समस्याएं होंगी कितना इनहाइजीन होगा और एक तरीके से टॉर्चर है आप देखो जो मुस्लिम स्त्रियों के चेहरे पर तेज नहीं होता है आंखें झुकी होती हैं मतलब कोई एक रौनक नहीं है रखती है तो फिर भी देख लेना कभी ऐसे तुम तो बच्चे हो तो बुरा नहीं मानेंगे उठा भी लोगे तो मैंने अपनी माँ समझा था मैं अपनी मम्मी को ढूंढ रहा सर आप इसको क्यों बता रही है पूछने लग जाएगा आपको खतरना स्त्रियों में जो पुरुषों में सुन्नत होती है और स्त्रियों में खतना होता है तो इट इज खतना होता है खतना नहीं होता है पुरुषों में ऊपर का स्किन काट वो खतना नहीं है वो सुन्नत है सर तो उनको सेक्सुअल डिजायर नहीं मिलते नहीं स्त्रियों में नहीं और मेल को भी नहीं मिलते तो वो इसको कट कर देते हैं नहीं लड़कों को भी नहीं मिलते मिलती है लड़कियों के लिए नहीं बना तो लड़कों को भी तो हो जाता है पर लड़कों का तो वो होता है ना हाँ तो उसको हटा देने से मेम्ब्रेन काट देने से कोई इसका फर्क नहीं पड़ता कितना मुश्किल झेला है जो की उसका नहीं हुआ ब्यूटी रही है आप बताए ना मिस वर्ल्ड रही है ब्लैक में मिस वर्ल्ड रही है जबकि बिल्कुल काली थी अब देखो एनी डिवाइस और केमिकल विच प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी वुमेन एनी डिवाइस और केमिकल ड्रग जिसको जो हम यूज करें इसके लिए उसको कहेंगे कंट्रासेप्टिव मेथड्स एनी डिवाइस और केमिकल ड्रग विच प्रिवेंट प्रेगनेंसी डिवाइस डिवाइस और केमिकल फिजिकल डिवाइस हो सकती है और केमिकल ड्रग which is used for contraception section जो इसके लिए यूज किए जाएं इसे क्या कहेंगे contraceptive device very good is called contraceptive methods अरे device contraceptive है रीजन नहीं टाइप्स और बॉर्न इन साइड वजीना सीथ का मतलब एक पतली लेयर सीट होती है जैसे एक मोबाइल का कवर है हाँ? वो एक सीट है
और अगर उसे और पतला बना दो तो वो और पतली सीथ हो जाए किसी भी चीज को। क्या आपके इस वायर के ऊपर एक सीथ लगी हुई है? तो किसी भी चीज पर कोई भी वायर तो वो सीथ है। क्या एक्सॉन जो न्यूरॉन के ऊपर है उसके ऊपर क्या सीथ होती है? एक्सॉन हाँ, तो वही चीज है। नाउ सो इट इज वॉर्न ओवर वजीना और पीनस। इस कॉर्ड अंडर होगा ना, अंडर ठीक है। सो इस कॉर्ड कंडोम और डायाफ्राम एंड डायाफ्राम रेस्पेक्टिवली। डायाफ्राम को कैप भी कहते हैं। सर कंडोम की स्पेलिंग गलत है, उसको ठीक कर लो। एम ई नहीं होता सर, ई नहीं होता सर, ई नहीं होता, एम एस सिर्फ एम होता है। उसमें बटन होती है, यहाँ बोलो क्या स्टेपलर अब देखो कि इस तरीके से sir, ये तो सर डायाफ्राम डायाफ्राम इस तरीके से होगा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, और ये ऐसा होगा, ये ऐसे भी ये डायाफ्राम, और ये क्या है तो सर डायाफ्राम घूमने के लिए, और इसमें यहाँ पर वो लेसेस होती हैं। मतलब लेसेस किस लिए होती है? कि उसको बांधा जा सके, जिससे ये ना हो कि डायाफ्राम ही अंदर चला जाए। ये कैसे हो सकता है सर? सर्विक्स भी तो होता है, सर्विक्स है तो नहीं जाएगा, बट डायाफ्राम को बांधने की भी डिवाइस है, सिंपली भी आता है और अदरवाइज उसके लेशेस भी आते हैं। ये सर अगर मेल को अगर एलर्जी हो तो फीमेल को होगी, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड कंडोम एंड डायाफ्राम रिस्पेक्टिवली। ये क्या करता है? इट प्रिवेंट्स स्पर्म टू इंटर। सर ये सारे लीगल है इलीगल? लीगल है, लीगल है सर, ये सब सही, यही सबसे ज्यादा सेफ मेथड है। हां इसकी कुछ साइड कांगो में जो एसटीडी है, सिफिलिस, गोनोरोया, हां बहुत लोग मरते हैं, वार्ट्स, तो शुरू में आप ये समझिए कि उनमें पहले 20% लोगों को एड्स था और आज 80% हो, हां बहुत लोग मरते हैं, और प्रति वर्ष एक उनका जो है 15% लोग इसी से मर रहे हैं, सेक्सुअली का एड्स से। इसकी वजह से नहीं, मनुष्य ने सबसे पहले गोरिल्ला के साथ सेक्स किया। तो ये करता है। अच्छा ये अच्छा मेथड क्यों माना जाता है? बिकॉज इट प्रिवेंट्स द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज टू गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टनर टू अदर, ठीक है। तो जो एक तरीके की कंटेजियस डिसीज हैं, जो आपस में मेटिंग से हो सकती हैं, उनसे ये बचा लेता है। इट प्रिवेंट्स us from STD, sexually transmitted disease, transmitted STD disease, STD वो तो वायरस होता है, वो हम STDs के बारे में अलग से पढ़ेंगे। तो sexually transmitted disease से ही हमें बताता है। तो बैरियर मेथड ठीक हुआ कि नहीं? ठीक हुआ सर। अब देखें केमिकल मेथड क्या होता है? हार्मोन्स बदलने से,
सर हमारे सर ने तो ये सब कुछ बताया है। मेरे पास पीरियड बहुत कम होते हैं, प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी द फीमेल यूज। सर हमारे को 8 पीरियड मिले थे रिप्रोडक्शन के, सर ने आधे पीरियड में खत्म कर दिया। ठीक है, द फीमेल यूज आइदर ओरल पिल्स और वजाइनल पिल्स। आइदर ओरल पिल्स ओरल पिल्स दैट इज मालाडी, इस तरीके की ओरल पिल्स आती हैं। तो सर कॉपर का सर बुक में बस ओरल पिल्स के बारे में लिखा है। सर इससे बहुत वीकनेस वगैरह भी आ जाती है। आइदर ओरल पिल्स और सर हार्मोन चेंज कर देता है पिल्स। अब ओरल पिल्स क्या करती हैं, दे सप्रेस द ओव्यूलेशन। जब एग ही नहीं होगा तो लाखों स्पर्म जाते रहे, कहीं कुछ फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं होगा। ओरल पिल्स, सो ओरल पिल्स आर टेकन डेली। वो 30 का पैकेट आएगा, उसे आपको डेली लेना पड़ेगा। तो सस्ता होता है 5 रुपए के पीस, सरकार की तरफ से बहुत छूट है। जो मोहल्ला क्लिनिक है ना, वहाँ पर आपको कंडोम्स मिल जाएंगे सभी, और वहाँ से जो लाते हैं उनके बच्चे फुला फुला खेलते हैं। अरे बर्थडे So, ये चीज है ओरल पिल्स। ओरल पिल्स क्या होते हैं, दे सप्रेस ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, एग ही नहीं निकलेगा तो क्या होगा। Vaginal pills are put in vagina just before mating. अच्छा वो फेन वाला भी है। हाँ, it generates foams which kill sperms. सर यूरेथ्रा में कोई एसिड होता है ना? सर बोला था ना मैं यूरेथ्रा में। हाँ इरिटेशन इन फीमेल बॉडी, ये अच्छा नहीं है। ठीक है, इस तरीके की चीज केमिकल है। और साथ ही जो ओरल पिल है इट कॉजेस हार्मोनल डिसबैलेंस, तो इनके साइड इफेक्ट्स हैं। एंड दीज आल्सो नॉट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम एसटीडी। ये हमें जो सिफिलिस गोनोरोया वार्ड्स और एचआईवी से भी नहीं बचाती, तो ये इनके कॉन्स हैं। प्रॉस का मतलब एडवांटेज, कॉन्स देखो। हाँ आप बोल रहे थे कि वजाइनल पिल्स कॉज इरिटेशन ना, कुछ भी लीगल नहीं है। सर आप तो पढ़ा रहे, सारा लीगल है। सर माला टीवी में आती है गवर्नमेंट में। वजाइनल ट्रैक्ट में ये क्या करेगी, इरिटेशन पैदा करेगी। वाई ओरल पिल्स, ओरल पिल्स कॉजेस इरिटेशन। No hormonal imbalance. अच्छा सॉरी, हाँ हो गया। ये हार्मोनल इम्बैलेंस आपने जो बताया, ये चीज हार्मोनल इम्बैलेंस। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो जो 10th तक के भी बच्चे हैं वो भी प्रेग्नेंट हो जाते हैं, इसलिए स्कूलों में माला डी बांटी जाती है। ये हालत हो गई ब्रिटेन और फ्रांस में, स्कूलों में सब कुछ इसीलिए बढ़ता है कि कम से कम सरकार
इस चीज को रोक सके, नहीं तो बच्चे आगे पढ़ेंगे ही नहीं, उनके देश का ही विकास रुक जाएगा। जो बच्चा 25 साल में इंजीनियर बनना है वो अभी से शादी करने लगे बच्चों दसवें से, तो क्या देश का विकास होगा? सब देते हैं तो फिर यहाँ के लोग वहाँ क्यों पढ़ने जाते हैं? शिवम के जैसे वो इतने लंबे चौड़े होते हैं बगल में दाग के चले देखो ऑस्ट्रेलियंस वो सिक्स मारते तो लगता है कुछ नहीं मार रहे, बाहर जाती है और इतनी ताकत है। सर सबसे अच्छा तो वो है ना क्रिस गेल, आईयूसीडी इंट्रा यूट्रिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। मैं बताने वाला था हां इंट्रा यूट्रिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। सर ये आता भी एक मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। सो जरा देखिए कॉपर टी, कॉपर टी इज सच डिवाइस, ये कैसी डिवाइस है? ये आईयूसीडी में आता है सर, है ये आईयूसीडी में आता है हाँ, विच इज पुट, ये क्या होगा? तो ये बैरियर और केमिकल किसमें आते हैं बता रहे हैं, विच इज प्लेस्ड। देखो ये चीज क्या है बताओ, और यूट्रस में अगर इसे डाल दिया ये इस तरीके की है, तो ये अंदर डाल दी और जब डालने के बाद फिर इसी में सर्जिकल, ये देखो सर्जिकल कुछ अभी नहीं आया है, तो ये यहाँ पे फिर इसको खींच लिया जाता है, फिर नीचे ये ऐसा हो जाएगा। जब इसको पुल करोगे सर दर्द नहीं होता, पहले इसको अंदर इंसर्ट किया सर, इससे इंफेक्शन भी तो हो जाता है। हाँ होता है, डस्टिंग हो जाता है, डस्ट हो जाता है, ये इसको इंसर्ट किया फिर खींच लिया। सर इसको बाहर कैसे निकालते हैं? वो होता है सर, इसका एक क्वेश्चन था, ऐसे कैसे हो सकता है? ये लगा देते हैं ऐसा नहीं है कि पीरियड्स नहीं होगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा, वो चीज तो वेस्ट है, ऐसा नहीं कि पहले पीरियड को इकट्ठा होने दो, वो स्टेग्नेट हो जाएगा, ये चीज है। नाउ अब जरा इसको पढ़ो तो बताएं, किसके अंदर डालते हैं? यूटेरस, यूटेरस। तो इसी वजह से इंट्रा यूटरिन कहा गया। सर नियर सर्विक्स में भी इंट्रा होता है क्या? अभी यूटेरा बताए ना, ऊपर बताया नहीं था? गोल गोल सा सर, लीबिया मेजोरा और लीबिया माइनोरा नहीं बताया? नहीं हां हां, अभी अभी मुझे याद आया। यस सर। अच्छा सर, अपर मेजोरा लोअर मेजोरा, अपर नहीं बोलो, ये लीबिया सर आपने पहले बताया था, याद नहीं आ रहा। अरे चुप रे, पढ़ने दे, क्या हुआ सर? लीबिया सर मारे मेजोरा और ये क्या है? लीबिया माइनोरा और ये है यूरेथ्रा, ठीक है। आपने वो माइनर वाला माइनर ना लिखो, ये लिखो, ये सही इस पर
चमेटाना मतलब। अच्छा ठीक है, अब ये जो चीज है प्रॉपर्टी हो गई, इसको इफेक्टिव मेथड कहा गया। इट इज प्रॉपर्टी तो बैरियर में जो इसमें आना चाहिए। बैरियर नहीं है ये, आपको एसटीडी से नहीं बचाता है। ठीक है, हो सकता है अब हम आगे पढ़ लें तो फिर बताएं, क्योंकि प्रॉपर्टी के बारे में तो आपने भी नहीं पढ़ा है। अब मैं जब पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बता पाऊंगा कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो दो लाइन और लिख लें। हां सर लिखो जितना लिखना। सो इट इज प्लेस्ड इनसाइड यूट्रस, इट इज प्लेस्ड इनसाइड यूट्रस बाय ट्रेन्ड डॉक्टर और नर्स। बाहर कैसे निकालते हैं? कई बार ये इन्फेक्ट कर देता है, क्या कर देता है? हर्टिंग, जो कि है तो मैटर ही ना। सर तो जब इसको अंदर डालते हैं तो खून नहीं होता। As a method of contraception, it cannot protect us from sexually transmitted disease. इसका काम क्या है? Prevents the implantation. देखो अगर फर्टिलाइज भी हो गया ना तो ये ऊपर नीचे होता रहेगा और जहाँ पे इम्प्लांटेशन हुआ ठक से मारेगा, मतलब बेबी को मारेगा। बेबी नहीं, जैसे आया वहाँ से सर प्लेसेंटा में अटैच, एम्ब्रियो आया अटैच होने, तो ये क्या है वहाँ जाके मार देगा, एक तरह से उखाड़ देगा। सर इसको पता कैसे चलेगा वहाँ पर? ये मूवमेंट करता रहता है सर, अंदर इधर उधर इधर ये मूवमेंट करती रहेगी। सर फिर तो पेन है। अच्छा जब सर मेटिंग होगी तब? मेटिंग में भी मूवमेंट करेगा। अरे भैया मेटिंग में तो करेगा ही। सर मतलब फील होगा सर, ये सर सर वो हो गया प्रॉपर्टी का उस साइड वाला हिस्सा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में लग जाए तो? अरे वो ट्रेंड होता है यार। अब देखो व्हाई ट्रेंड डॉक्टर और नर्स, ये क्या करता है बताइए? इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन ऑफ एग इन यूट्रस, क्योंकि उसको वो मारेगा प्रॉपर सर, वो नीचे गिर जाएगा। हाँ, इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग इन यूट्रस। तो इस तरीके से काम आता है। जब तक प्रॉपर्टी है देन उसको कुछ और रहने की जरूरत नहीं है। सो ये है इसमें भी होगा ना। सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इट कैन नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एचआईवी, कैन नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एसटीडी सर्जिकल मेथड। एक माइनर लेजर ऑपरेशन होता है। हाँ, वो कट कर देता है। ठीक है, बाय माइनर लेजर ऑपरेशन वैसेक्टॉमी, और वैसेक्टॉमी ट्यूबेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी हो सकते हैं। ठीक है, व्हिच इज परमानेंट टर्मिनेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ। वैसेक्टॉमी मेल में होती है, अ स्मॉल लेजर सर्जरी, लेजर सर्जरी है सर, लेजर ट्यूबेक्टॉमी, लेजर आपके बॉडी में डाला और लेजर से कट कर दिया, लेजर से कैंसर, और लेजर की टाइप भी कर देगा, बहुत कुछ कर देगा लेजर, सब कुछ कर देगा। ट्यूबेक्टॉमी इन मेल, एक होता है एंडोस्कोपी, ट्यूबेक्टॉमी नहीं लिखो वैसेक्टॉमी इन फीमेल। तो सर अगर बर्थ कंट्रोल मेथड में है तो आईओसीडी भी लिख सकते हैं ना? हाँ लिखना ही है, इट परमानेंटली टर्मिनेट्स, बोलो सेंटेंस पूरा करो, टर्मिनेट्स रिप्रोडक्टिव एज ऑफ मेल, रिप्रोडक्टिव एज सर मेल में वो वास्ट डिफरेंस को काट देते हैं ना और आपस में जोड़ देते हैं ना। हाँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ ठीक रहे। तो आपने एज लिखा है
हमें सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा तो ये सेंटेंस से लिखा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब फिर उसमें अब रिप्रोडक्शन का कुछ रही नहीं है, ठीक है, बस ओनली सीमेन निकलेगा उस बात को। सर आपने लिखा टर्मिनेट्स रिप्रोडक्टिव एज ऑफ मेल और फीमेल बाय सर्जिकल मेथड इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। इतनी बात समझ में आ गई, अब हम आगे देखें। जो प्रेम की देवी है ग्रीस में उनको एफ्रोडिसियाक कहा जाता है। क्या प्रेम की देवी? प्रेम की देवी, गॉडेस ऑफ लव। गॉडेस ऑफ क्या नाम है? एफ्रोडिसियाक। सर कौन से देश? ग्रीस। ग्रीस, ग्रीस। आप देखो इसका चैप्टर से क्या लेना देना, कुछ चीजें हैं हमें इंग्लिश पढ़ानी चाहिए डिटेल में, तो आजकल इंग्लिश क्लास में भी कहीं कहीं हो जाता तो हम बता देते। सर वो वर्ड वापस बोलेंगे जो एफ्रोडिसिया था ना? एफ्रोडिसिया। सर एक बस लव की देवी है। सर आपने बोला ना माइंड की, हम तो नहीं मानते सर प्रेम की देवी। तो तेरे कंट्री में कौन? जो पॉम्पस नगर है वो लोग इनकी बहुत पूजा करते थे और पूरे नगर के निवासी नंगे घूमते। रोम में है, रोम में, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े पीनस और वजाइना के वो स्टोन के बनवाए। फोटो भी है वो, और उसके राजा का नाम पॉम्पियो था, बहुत फेमस हुआ था पॉम्पियो। वो रोमांटिसिज्म था, रोमांटिसिज्म में ये चीज आप पढ़ेंगे पहले चैप्टर में। अब आगे देखें, नाउ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या है सेक्सुअली? सर एड्स, एचआईवी। अभी बता रहा हूँ। सर ये अलग टॉपिक है ना? हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। सर एचआईवी एड्स, गोनोरिया, साइफिलिस। हाँ, the disease which are spread by sexual contacts with an infected person, the you are healthy person. Disease which? सर infectious disease. Spreads. क्या होता है कि किसी के टॉवेल छूने से, यूटेंसिल छूने से होता है, लेकिन ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज ऐसे नहीं होती है कि छूने से या किसी को हगिंग करने से, ओनली सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से ही होगी, तब इसीलिए इसका नाम अलग रखा। ऐसे तो कई तरीके के हैं, एक्वायर्ड डिसीज, क्रॉनिकल डिसीज है ना, एक्यूट डिसीज, और इसी तरीके से कुछ ऐसी कंटेजियस और नॉन कंटेजियस। तो वैसे भी फैलता है, जैसे किसी ने टैटू बनवाया तो उसी, तो वो सब ब्लड से फैलता है, उससे भी फैलता है, तो वो दूसरे चीजें हैं लेकिन वो तो हम लिखेंगे, लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिशन से तो फैलता ही। दिल्ली के जेल में कुछ हो गया ना कैदियों को एड्स 22 या ऐसे, तो व्हिच इज स्प्रेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट, इस पर तो वो सब भेजे जाते हैं ना। सर अचानक से हो गया, और पुलिस ने भी अचानक से जांच कराई, वो भी पूछ रहे हैं कि क्यों कराई अचानक से, कभी तो होती नहीं। सेक्सुअल कांटेक्ट इज, ठीक है, विद सर किससे भी होता है? इन्फेक्टेड पर्सन। ये क्या हो? जिसको बीमारी है आर कॉल्ड इन्फेक्टेड पर्सन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। अरे नहीं, जिसको होता है सर वो कईयों को फैला सकता है। नहीं सर, जिस पर्सन को है उसको क्या कहेंगे? इन्फेक्टेड पर्सन। अच्छा, वैसे कोई नाम नहीं है? नाम होगा उसका, मुझे मालूम नहीं, मुझे उसका क्या नाम है बता देते हैं, लेकिन अभी तो बिना नाम के ही समझो। गोनोरोइया, सिफिलिस, रोइया, ये क्या चीज होती है? पूरी बॉडी में दाने हो जाएंगे, बहुत बड़े बड़े गहरे गहरे चकत्ते हो जाएंगे, इतना भयानक दिखता है। गोनोरोइया देखोगे ना आदमी को डर जाओ।
आप अगर देखेंगे सिफिलिस हो गोनोरोया हो वो आदमी मरना ही मरना है। सिफिलिस देखा था सर मैंने, अजीब सा होता है। मैंने खुद तो देखा था सर। सर आपने लास्ट टाइम दिखाया था गोनोरोया। सर उस पे दिखा लो अभी तो, हाँ सर स्क्रीन में दिखा दो। सर उस पे दिखा ना अभी तो। गोनोरोया सिफिलिस कई बार नाइन से दिखा रहे हैं। वो था ना इसमें चैप्टर था डिजीज का पूरा आपने पढ़ाया था। तो इसमें क्या होता है ये देखो कि इस तरीके की बीमारी होती पूरी बॉडी में। हाँ सर देवी एंड तक छी पूरी बॉडी में और फिर वो मर ही जाता है। अब बताओ इसके देखना का तुम ट्रीटमेंट कुछ नहीं ऐसे लग रहा है किसी ने वो विमल थूक दिया और साथ में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से पस निकलता रहेगा। वो बहुत ही बीमार व्यक्ति होगा। वो मतलब एसटीडी वाला आप वार्ड में चले गए ना तो आपको ऐसा लगेगा यहाँ से निकलो बस। वार्ड्स एसटीडी सो सभी तरीके की एक ही तरीके से बीमारियां हैं तो दैट इज सर ये वाले कौन सी बीमारी थी ये देखो ये सिफिलिस थी गोनोरोया थी नहीं सर ने बोला था सिफिलिस सर सिफिलिस था जब ये गोनोरोया है आंख से पस निकलता है ये एड्स से होता है जी यार एसटीडी है ये सर क्या गंदगी दिखा रहे हो तुम्हें को देखो ना आंख से पस से निकलता है सर दीपांश को नहीं दिखा अरे देखने की चीज देखने का दीप सर सही बात की नहीं घर जाके खाना नहीं दिखता ही है बोलेगा मैं यानी हालत खराब हो जाती है। तो सर सोचो एक मीटिंग में पूरा बर्बाद करके रख दिया उसको सर जो जो उसको सोचो क्या होगा आग से पस निकल रहा अरे जी तो ऐसे ही सारे भी सी अगर आप उस वार्ड में घुस गए तो आपको लगेगा चलो अब बात हो गई। नाउ गोनोरोया के बारे में पढ़ो। सो गोनोरोया एंड सिफिलिस फर्स्ट सेकंड सिफिलिस थर्ड इज वार्ड्स सब वार्ड्स ही आंख वाला था नहीं बताएंगे ये तो सब सिंपलिस था गोनोरोया था आंख वाला गोनोरोया था सर ये सारे वार्ड्स वाला बोले थे ना दैट इज सर एड्स दिखाओ ना सब दिखता नहीं है वो सेल्स में फैला उसमें बोला था खांसते भी तुम नाउ गोनोरोया एंड सिफिलिस आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया सर एचआईवी एड्स क्या होता है वो वायरस है अभी बता दे रहे हैं एंड अभी बताया ही कहां पहले से ही डाउट आ गया। सो सिफिलिस इज कॉज्ड बाय ये किससे होता है बैक्टीरिया जानते हो प्रोकैरियोटिक सेल है हां यस सर। सो इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड सर बैक्टीरिया का नाम क्या है इसका मोस्ट कॉमन सिम्पटम है दैट इज सेंसेशन इन यूरिनेशन सेंसेशन सर जलन होती है द सिम्पटम्स आर अरे बुक में लिखा था अच्छा बर्निंग ये देखो गलत में नहीं निकाल रहे हैं इन यूरिनेशन अभी वो भी पढ़े लिखे हो जाएंगे कोई ये थोड़ी है दैट इज ये होता है एंड सोर्स इन जेनिटल
वहाँ पर भी चकत्ते पड़ जाएंगे ताने। जी यार। एंड सर आप हमें क्यों ये क्या सर आप इतना अच्छे से मजे लेके क्यों पढ़ा रहे हैं? ये आपको सूचना का अधिकार है कि क्या क्या चीजें फिर याद नहीं रहेगी। सोर्स इन जेनिटल, ठीक है। तो ये हमारे और आपके अस्तित्व का एक चैप्टर है, हम इसी वजह से हैं। ये तो बेसिक है। हाँ, इसको तो अच्छे से पढ़ाना चाहिए, ठीक है। गोनोरोया एंड सिफिलिस ये लेकिन क्योरेबल डिसीज है। सर एड्स क्योरेबल है? इनिशियल स्टेज में। And syphilis are curable disease. HIV/AIDS क्या है? Amino is immuno. Immuno that is acquired immunodeficiency. Acquired immunodeficiency syndrome. Acquired immuno. Immunodeficiency syndrome. मुझे भी आता है। क्या ये एक बैक्टीरिया से होता है? HIV बोलो। हाँ, उसका नाम है जैसा कि इन्होंने बताया बैक्टीरिया से नहीं होता है, वायरस। अरे देखो दोनों पढ़ रहे हैं। वायरस आते ही फिर जितना ये बैक्टीरिया है इसका नाम भूल जाता है। वायरस सर इसका नाम भूल जाता है। इससे बैक्टीरिया से होगा क्या होगा? सिफिलिस और गोनोरोया और ये वायरस है। हाँ, कोरोना या कोई भी और दूसरे वायरस होंगे। सर इनका शेप अलग होता है क्या वायरस का? वायरस के ऊपर सलवाल नहीं होती, साइटोप्लाज्म नहीं। तो मतलब सर कोरोना का अलग वायरस दिखेगा? थोड़ा बहुतों का सबका अलग अलग होता है। अच्छा सुनिए, एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी। एक्वायर कर लिया, इम्यून की डेफिशिएंसी ही एक्वायर कर ली। अब हमारे अंदर इम्यून नहीं रह गया, इम्यूनिटी। अब छींक भी आएगी तो हम मरेंगे। हाँ। कैसे सर? कुछ भी होगा, कितने भी मर जाएंगे, जरा सा कुछ भी हो जाएगा तो मरना मरना है। अगर गिर गया नीचे तब भी मर जाएगा। किसी भी तरीके से फीवर आ जाए, कुछ आ जाए तो मर जाते हैं। समझाया? ये ऐसी डेफिशिएंसी है, सर्दी जुकाम बुखार कुछ भी आए मर जाओ बस। हाँ, जैसे ऐसा होता है ना, हीमोफीलिया जो रानी एलिजाबेथ के परिवार में है ना, तो उनके यहाँ जितने लड़के उनको हीमोफीलिया सब चाकू छुरी अलग रखे जाते हैं। एक बार कट जाए तो क्लॉटिंग नहीं होगी ब्लड के। वो मतलब वो कैरियर है, इनहेरिटेंस है, लेकिन वो फीमेल में नहीं होगी, मेल में होगी। तो प्रिंस चार्ल्स है, कहीं वो उनको गलती से भी सब जगह वहां पर प्रोटेक्टर लगे हुए हैं सिलिकॉन के, कहीं पे गलती से लग गया तो ब्लड ही बहेगा, फिर कभी नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। So it is caused, ठीक है, by human immuno deficiency virus. पता कैसे लगेगा कुछ symptoms? Deficiency syndrome. तुम्हें जल्दी जल्दी बीमारी होती जाएगी, पता चलेगा कुछ भी हुआ बाहर गए, immune system weak हो जाएगा, weak हो जाएगा, बहुत immune system. So human immuno deficiency virus. HIV हो गया, HIV, ठीक है। अगर आप समझ लीजिए, if a person is found HIV positive in test, then he has AIDS or she has AIDS. If a person, तुम लोग कभी भी मीटिंग नहीं कर पाएंगे, नहीं ठीक होने के बाद करने पर है, उसके लिए कंडोम लगा सकते हैं। पर्सन है, लेकिन हमारा समाज इतना डरता है, वैसे सभी डरते हैं, सबको अपनी जान प्यारी है। हाँ। तो ऐसे को रिजेक्ट कर दिया जाता है, अलग कमरे में रखा जाता है, उसको कोई छूने भी नहीं जाता है, जबकि छूने से ये बीमारी नहीं फैलती है, उसको सद्भावना देनी चाहिए, लेकिन फिर भी लोग उसको आइसोलेट ही कर देते हैं। नहीं सर, बहुत बार बिना मीटिंग किए भी हो जाता है ना, उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे किसी का रेजर इस्तेमाल करने से हो जाता है, कट गया और माँ से बच्चे को हो जाता है,
ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो जाता है। अगर एचआईवी पॉजिटिव आपने बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग कर दी है तो इफ ए पर्सन हैज क्या लिखा रहे थे सर कि तो पर्सन कैसे हो सकता है बहुत सफर करता है हां If a person she or he is found in test found HIV positive, इसी में भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो मतलब समझते हो इसका मतलब उसे कोरोना है और कोरोना निगेटिव पाया गया तो नहीं है पॉजिटिव का मतलब वो होना then that person has it. Person to another by unprotected sex. Second, by transfusion of blood. मतलब? सर अभी तक ये HIV का ही नहीं खा रहे थे क्या? देखो HIV ज़्यादा है इसलिए यहाँ से HIV शुरू हो गया। सही मार्क कर दो। Transfusion of blood यहाँ से AIDS शुरू हो गया। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड यूजिंग शेयरिंग द सिरिंजेस उसने अपने हाथ में उसी से ड्रग लगाया तुमने भी ड्रग लगाया सर तो ऐसे जो लोग होंगे जो मतलब इन्फेक्टेड होंगे इससे वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे क्या जो ऐसे लोग होने के बाद तो वो बिना ठीक मतलब अगर क्रोनिक होता है ना क्योंकि तो फिर रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे बच्चा ही मर जाएगा उनका बच्चे को भी हो जाएगा ठीक है यूजिंग रेजर ब्लेड्स शेयरिंग रेजर सर रेजर से कैसे हो जाएगा अरे तेरे कट गया तेरे को अगर ऐसा ही शेयरिंग रेजर ब्लेड फ्रॉम प्रेग्नेंट मदर टू अनबॉर्न चाइल्ड हां प्रेग्नेंट मदर गाभिन माँ से उसके बच्चे को इनहेरिटेंस है फिर हाँ सर हैं ये एक्वायर्ड है या इनहेरिटेंस है ये डिजीज क्या ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है एक्वायर्ड नहीं दोनों पूछ लिया समझ में आ गई तो ये सारी बीमारियां हैं सर ब्रेस्ट फीडिंग से भी तो वही तो है ब्रेस्ट फीडिंग का मैं आपने कार्ड को वाट से होता होगा तो वाट से मुझे मालूम सर वाट होता है वाट से होता है वाट टी होता है डी होता है ई वाट होता है हाँ सर आर टी एस हाँ देखिए सर बुक में लिखा है कहाँ लिखा है बताओ सर वायरल इन्फेक्शन सच एज वाट्स वायरल इन्फेक्शन है हाँ तो लिख लो ये हम ढूंढने जा रहे थे अब यही लिख लेते Warts is a viral infection. And HIV. It is possibly prevented and not from such this disease during the... Wart is a... Viral infectious. Sir, ये क्या होता है? Wart भी infectious disease है. Wart है कि warts? Warts. WARTS. Sir, इतनी सारी बीमारियां तो रेटिंग जरूरी है करना. आपको मालूम है कि गली के छह कुत्ते आपस में लड़ते हैं कुतिया खड़ी रहती है जो जीतता है वो उससे कटता है आप उसके ये सब एक नेचुरल चीज है और वो वहां मर जाएंगे पांच कुत्ते मर जाएंगे हाँ लेकिन वो जो जीतेगा ना वही करेगा कईयों में तो एक हाथ की मौत हो जाती है लड़ते वक्त कितने कितने युद्ध हुए हैं किसी ने लड़ा को जीत के बोले थे ना पद्मावती हां उसमें भी तो इसी सर युद्ध होता है लेकिन वो जौहर में पूछ जाते पहले ही वो प्लस है तुम जरूरी पूछ रहे
और जरूरी किस लिए है वो हम तुम्हें दिखा देते हैं। ये देखो वार्ड्स का फिगर देखोगे अभी पता चल जाएगा क्यों जरूरी है। सर कुछ गंदगी मत दिखाना। गंदगी होगी सर, आपने बहुत गंदगी दिखा दी है दो में। ये अच्छा, ये काफी ठीक लग रहा है। अरे ये क्या दिखा, मक्खी ने काट ली है। ये तो वार्ड्स इस तरीके का वार्ड हमें निकले। सर दर्द हो रहा है। सर एक फिर से दिखाना सर, मैंने छींक के चक्कर में देखे। सपने होगा पैर में इस तरीके का हो रहा है। क्यों हो रहा है? वार्ड्स के लक्षण पैरों में ही हो रहा है, पूरे पैरों की उंगलियों में भी हो जाएगा। इस तरीके से कुछ कुछ होगा। अरे ये फोटो कौन अपलोड करता है? बोले मेरे को और दुनिया को दिखाता। देखो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में भी अभी हमने बताया नहीं है। मैं इसके बारे में भी अभी चैप्टर की एक्सरसाइज नहीं करा रहा हूँ। सर इसके भी क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन और क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। अब मैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पर चलता हूँ। आपको चैप्टर समझ में आ गया? थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन कराएंगे, खुद ही समझ में आ जाएगा। फिर मैं एक साथ करा दूंगा। सर ये सब क्योरेबल है, ये सब ठीक हो सकते हैं? ठीक हो जाएंगे सर, बताओ ना। हो सकते ही ठीक, या फिर परमानेंट बीमारी हो गई। क्योरेबल है सर, इनिशियल स्टेज में सब क्योरेबल है। सर पूरा मत मिटा देना। सर अगर फीमेल फीमेल कॉन्डोम पहनती है तो उसको प्रेगनेंसी होता है? फीमेल डायफ्राम पहनेगी। हाँ तो क्या तो प्रेगनेंसी क्यों होगी? अरे कैसे तो सब पूछ रहा यार, तूने तो बोला पूछ रहे को। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि मेल डोमिनेंट कहते हैं कि मेरी जिम्मेदारी नहीं, अगर बच्चा हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं, तो उस केस में स्त्री को पहनना पड़ता है। मेल हरफन मौला हो जाता है उस समय, वो डोमिनेंट है। कई धर्मों में ऐसा है, तो फीमेल की ये जिम्मेदारी बनती है। क्या कि कुछ पहने, चाहे माला डी पहने, अगर उसे लगता है सर दर्द हो रहा है माला डी, तो उससे क्या होगा? तो ये फिर बहुत सारे मर्द कहते हैं कि तुम कितनी लापरवाह हो, ये बच्चा कैसे हो गया? तो फिर उस फीमेल को इस वजह से डाइवोर्स हो जाता। वार्ड्स के बारे में इतना ही है। चलो नाउ हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन पे आओ। सर ये चैप्टर भी इसी से रिलेटेड है, वेरिएशन के बारे में। सर ये वाला और पढ़ा है आगे? ठीक है पढ़ाना है। जब गर्मी लगे बता दे। चलो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, अनुवांशिकता और विकास। हाँ इवोल्यूशन देन से पढ़ा देना। ठीक है सर, आ रहा है।